क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे टाइप स्क्रिप्ट और आज की वीडियो में हम जानेंगे जेनेरिक के बारे में मजीद। तो चलें शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूं जो कि हमें कुछ डेटा फेच करके देगा। तो मैं बनाता हूं कॉन्स्ट फेच डेटा, क्योंकि ये एक एरो फंक्शन है और कुछ डेटा लेकर आएगा तो मुझे एसिंग बनाना होगा। तो मैंने एसिंग बना दिया और ये क्या करेगा, ये करेगा कॉन्स्ट डेटा अवेट। अवेट मतलब आप इंतजार करें जब तक डेटा नहीं आ जाता। कहां से? यहां से। और यहां पे मुझे एक यूआरएल पास करनी होगी, तो इसको हम प्रॉप्स में यूआरएल दे देते हैं जो कि होगी एक स्ट्रिंग, ठीक है। और यहां पे हम दे देंगे यूआरएल। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स जो आएगा उसको अवेट करो, इंतजार करो जब तक के डेटा डॉट जेसन में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। और जब डेटा डेटा जेसन में कन्वर्ट हो जाए तो रिटर्न कर दें इस रिस्पॉन्स को। ये हमने एक नॉर्मल फंक्शन बना दिया जो कि कहीं से डेटा को फेच करके ले आएगा और उसको जेसन में कन्वर्ट करके हमको दे देगा। अब यहां पे समझने की बात है, हम करते हैं कॉन्स्ट और लिखते हैं, मैं यूजर का डेटा बुलाऊंगा तो भी लिखता हूं यूजर्स और यहां पे लिखता हूं अवेट, इंतजार करें जब तक के डेटा नहीं आ जाता। फेच डेटा को मैंने यहां पर कर दिया कॉल। कॉल करने के बाद मुझे इसको एक यूआरएल भी पास करनी होगी, तो ये एक फेक डेटा यूआरएल है जेसन प्लेस होल्डर की। थैंक यू जेसन। हम इसको कॉपी करते हैं, देखिए इसके अंदर मुख्तलिफ यूजर्स का डेटा आ रहा है। तो हमने इसको कॉपी कर लिया और यहां पे कर दिया पास, मैंने सेव कर दिया। अब देखें क्या होता है कि जब ये डेटा हमारे पास आएगा तो मैं कहता हूं यूजर यूजर्स और इसके पहले एलिमेंट में क्या आ रहा है, अगर मैं डॉट लगाऊं तो मुझे कुछ भी सजेशन नहीं आ रही, इसमें कुछ भी सजेशन नहीं आ रही। क्यों सजेशन नहीं आ रही, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट को नहीं मालूम कि ये जो डेटा आ रहा है इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक इंटरफेस बनाते हैं और इंटरफेस बनाने से पहले हम इस फंक्शन को बनाएंगे जेनेरिक, ठीक है। तो जेनेरिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जेनेरिक बनाने के लिए हम एक प्लेस होल्डर पास करते हैं। प्लेस होल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं और इसको कन्वेंशन है कि टी रखा जाए, ठीक है। तो यहां पे आप कुछ भी रख सकते हैं और यहां पे हम इसको कह देंगे रिटर्न। रिटर्न ये क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहां पे प्रॉमिस और प्रॉमिस के पास भी हम एक प्लेस होल्डर पास करेंगे, वही प्लेस होल्डर जो हमने यहां पर पास किया। तो हम यहां पे लिख देते हैं टी। क्लियर हो गया, ये हमारा फंक्शन हो गया जेनेरिक। अब हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक बनाते हैं इंटरफेस, इंटरफेस यूजर का। और यूजर में हम देखते हैं क्या क्या आ रहा है, नेम है, आईडी है, यूजर, ईमेल, एड्रेस और बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लिखते हैं आईडी नेम और यूजर नेम। तो हम लिखते हैं आईडी, आईडी है नंबर और उसके बाद है नेम, नेम है स्ट्रिंग, उसके बाद क्या है यूजर नेम, यूजर नेम है एक स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमने एक बना दिया इंटरफेस। इंटरफेस बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम इसको बता रहे हैं कि भाई इसके अंदर जो डेटा आएगा वो ये जो यूजर है इसकी एरे होगी। क्लियर है, हमने इसको क्या बता दिया कि ये जो डेटा फेच होकर आएगा ये इस यूजर की एरे होगी जो अभी हमने इंटरफेस बनाया। और हमने कुछ नहीं किया, हमने सेव किया और अब हम करते हैं इसको अनकमेंट। तो हमने जैसे इसको अनकमेंट किया और मैं लगाता हूं डॉट, तो देखिए मुझे सजेशन आ गई। हमने कुछ नहीं किया, एक नॉर्मली जो है इससे यूआरएल पास की और एक ऊपर जेनेरिक फंक्शन बना दिया है जिसके अंदर हमें सिर्फ यूआरएल पास करनी है। यूआरएल हमने यहां से पास कर दी और हमने इसको एक इंटरफेस करके बता दिया। तो अब क्या है, एक ही फंक्शन है और जितनी भी इसके अंदर यूआरएल हम पास करेंगे ये हमको इसी तरह से बताता जाएगा। कैसे हम ट्राई करके देख लेते हैं। हम जाते हैं, इसको करते हैं स्लैश, स्लैश के बाद इसका जो ये पहला एलिमेंट है, या यूं कह दो कि इसकी जो ये आईडी वन है हम इसको गेट करते हैं। तो हमने कर दिया यहां पे वन, सॉरी हमने इसको यहां पे कर दिया वन और इंटर कर दिया। तो यहां पे देखते हैं एक ही यूजर का डेटा आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हम भी यहां पे यही करके देख लेते हैं कि डेटा तो हमारा वही है, हमें पहली आईडी का डेटा चाहिए। तो हम इसको करते हैं स्लैश वन, मतलब हमने यूआरएल अपनी बदल दी या चेंज कर दी या बढ़ा दी, जो भी आप समझ लें। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसे ये करते हैं कि इसको मिटा देते हैं और डॉट लगाते हैं। हमें दोबारा से
सजेशन नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अब हमारे पास एरे नहीं आ रही, अब हमारे पास आ रही है सिर्फ यूजर का एक ऑब्जेक्ट। तो डॉट लगाता हूं, दोबारा से देखिए, मेरे पास सजेशन आ गई। मतलब टाइप स्क्रिप्ट को मालूम है कि अब इसमें क्या डेटा आ रहा है। और मजे की बात यह है कि अगर हमने तीन फील्ड्स लिखी है, हम चाहे ईमेल और एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो हम एक फील्ड बढ़ा देते हैं, ईमेल। ईमेल क्या है? स्ट्रिंग। तो जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वो सजेशन आपको वहीं से भी आती जाएगी। तो देखिये अब सजेशन जो है बढ़ गई है, ईमेल भी हमें शो हो गया। तो ये तो हो गया सिर्फ यूजर के लिए। अब हमने कहा ये जो डेटा है ये डायनामिक, ये जो फंक्शन है हमने डायनामिक बना दिया। तो हम क्या करते हैं, एक और इंटरफेस बनाते हैं एक और यूआरएल के लिए। हम फंक्शन यही इस्तेमाल करेंगे लेकिन यूआरएल कोई और होगी, वहां पे होगा पोस्ट का डेटा। पोस्ट के अंदर हमारे पास होगा टाइटल। टाइटल क्या होता है आमतौर पर? स्ट्रिंग। और होगी बॉडी, बॉडी भी होगी स्ट्रिंग। और फिलहाल हम इसमें दो ही रहने देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक फेक यूआरएल से पोस्ट का डेटा बुलाते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं कॉन्स्ट पोस्ट और अब वेट, इंतजार करो जब तक के डेटा ना आ जाए, और फेच डेटा, और इसको हमें पास करनी है एक यूआरएल। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे दोबारा से और यहां पे यूजर्स की जगह हम करेंगे पोस्ट, यूजर की जगह लिखेंगे पोस्ट। तो हमारे पास देखो पोस्ट का डेटा आ गया। अब हमने कंप्लीटली यूआरएल को बदल दिया है। तो अब हम दोबारा से अपने उस पे जाते हैं कोड के ऊपर, यहाँ पे हम इसको प्रोवाइड करते हैं एक यूआरएल, और इसको हम बता देते हैं कि भाई यहाँ पे जो डेटा आएगा वो आएगा किसका, ये जो पोस्ट है इसकी एरे होगी। तो हम करते हैं पोस्ट और इसकी एरे, सेव कर देते हैं और देखते हैं क्या अब टाइप स्क्रिप्ट को मालूम है कि इसमें जो डेटा आ रहा है वो कौन सा डेटा होगा। तो हम लिखते हैं पोस्ट एरे, इसका पहला जो एलिमेंट है इसके अंदर क्या है आप हमें बताएं। तो जैसे ही मैं डॉट लगाता हूं टाइप स्क्रिप्ट हमें बताता है कि भाई इसके अंदर बॉडी है और टाइटल है। तो किस तरह से हमने सिर्फ एक फंक्शन बनाया, उसको जेनेरिक किया, और जेनेरिक करने के बाद क्या करें, सिर्फ इसको यूआरएल प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको टाइप बता रहे हैं। बार बार फंक्शन नहीं लिख रहे, सिर्फ यूआरएल प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको टाइप बता रहे हैं कि भाई इसमें देखो ये वाला डेटा एक्सपेक्टेड है और वो हमें लाकर दे रहा है विद सजेशन। तो बहुत ही आसानी तरीके से जेनेरिक जो है हमें फंक्शन भी डायनामिक करके दे रहा है, उसकी टाइप को भी मेंटेन कर रहा है, और हमें बहुत ही ज्यादा कम कोड के अंदर इजी हैंडल करने की गुंजाइश भी दे रहा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।